अब जब मैं बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से मिला दूं, जैसे मैं बायो वाली हूं लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, तो क्या बनेगा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, जब बायोलॉजी को मेडिसिन के साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा? डॉक्टर। बायोलॉजी को रिसर्च के साथ मिला दूं तो क्या बनेगा? क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर, मतलब जमीन से जुड़ी हुई चीजों पे काम करूंगी तो क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर। सॉइल साइंस बन जाएगा, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीजें भी आती है। तो आप एग्रीकल्चर फील्ड को क्यों नहीं सोचते, है ना? उस पर भी तो मैं जा सकती हूँ। ठीक है, बायोलॉजी प्लस एनिमल, हमको तो आखिर मेढक वेढक तो काटे हो गए कभी किए हो ना, तो उसमें क्यों नहीं जा सकती? आदमी इसको क्यों वो करना? मैं एक आध बायोलॉजी, एक आध भैया इतना तो गाय बन बैठे हैं, हमें उसको उठा के काम कर लेते हैं, है ना? तो उसके लिए आप वेटरनरी, जूलॉजिस्ट, ये सब चीज़ों में जा सकते हो। और बायोलॉजी प्लस लॉ को बना दोगे तो फॉरेंसिक साइंस बनता है। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें डॉक्टर के अलावा आज पता चली, बताओ? अब लगा कि डॉक्टर ही बनना एक उद्देश्य नहीं है? है इंफॉर्मेशन। अब कैसे पता चलेगा कि मैं ही क्या, मेरे को क्या करना चाहिए? उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है।